इट्स रियली गुड, यू नीड टू ट्राई. हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके. आपने थंबनेल में देखा होगा कि स्पून हमारी ब्यूटी को इन्हांस करती है. तो कई लोग जो नहीं जानते होंगे वो सोचते होंगे आखिर स्पून कैसे ब्यूटी को इन्हांस कर सकती है. हम स्पून को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और ये आज का तरीका नहीं है, बहुत पहले से स्पून को यूज किया जा रहा है ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए. अगर आप इनका यूज और बेनिफिट जान लोगे ना तो सच में आज के बाद आप भी स्पून का ही यूज करोगे. तो इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें किस तरीके की स्पून लेना चाहिए. जब भी आप स्पून लेंगे, स्पून मोटी होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए और उसके जो ये जो एजेज होते हैं वो भी थोड़े मोटे होना चाहिए, नहीं तो वो स्किन में लग सकते हैं. तो स्पून हमेशा मोटी लेंगे. तो आप पहला यूज देख लेते हैं. सबसे पहले हमारी आईज के नीचे जो पफिनेस होती है उसको दूर करने के लिए स्पून बहुत 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 कारगर होती है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्पून को हमें फ्रिज में रखना है थोड़ी देर, और फ्रिज में रखने के बाद उसको निकाल लेना है, और उसको निकालने के बाद हम इसको अपनी आई के नीचे लगा लेंगे. तभी भी आपको लगे मेकअप करने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले, या फिर आप ऐसे घर में हैं तभी भी लगे कि आपकी आंख के नीचे थोड़ी थोड़ी सॉइलिंग है, पफिनेस है, तो एक 5 मिनट करना रहेगा और आपको 5 मिनट में रिजल्ट दिखेंगे. ऐसे करके उस स्पून के उल्टे साइड को अपने आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे इस तरीके से लगाना है. लगाने के बाद आपकी पफिनेस तो दूर हो ही जाएगी, साथ में आपको इतना रिलैक्स मिलेगा ना, इतना सिर्फ 5 मिनट का काम है और रिलैक्स इतना ज्यादा दे देगा, बहुत ही ज्यादा. आप चाहे तो वीडियो देखते देखते करके देखिए. जिसने स्पून रखी थी तो वो ठंडी हो जाती है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम क्यों ना डायरेक्ट आईज ही रख ले. आईज आई पे नहीं रख सकते क्योंकि वो कई बार इरिटेशन पैदा करता है, साथ में स्किन को ड्राई भी करता है, इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट निकाल के स्पून को रखा गया है. और स्पून का ये वाला पार्ट चिकना होता है जिससे कि आई को बहुत रिलैक्स मिलता है. और ये वाला जो मेथड है हम मेकअप करने से पहले तो हमेशा 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 करना चाहिए. जब भी आप मेकअप करेंगे आप सबसे पहले स्पून को निकाल कर अपनी आई के इधर रखेंगे, आई की जो पफिनेस है पूरी दूर हो जाएगी, साथ में स्किन स्मूथ हो जाएगी जिससे मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई होगा. ये यूज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप चाहे तो आप तुरंत करके देख लें. अब हम चलते हैं अपने अगली यूज की तरफ जो कि है मसाज. हाँ, स्पून से हम मसाज करेंगे. जिसके लिए हमें चाहिए होगा कोई भी ऑयल जो आपका फेवरेट है. मैं हमेशा आमंड ऑयल का यूज करती हूँ. आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं. स्पून से फेस पर मसाज करने के कुछ रूल होते हैं जो कि आपको इतना ज्यादा बेनिफिट देंगे, इतना ज्यादा बेनिफिट देंगे. आप सिर्फ दिन में 5 मिनट करें, 2 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब हम करेंगे फर्स्ट स्टेप. मैंने ले लिया है आमंड ऑयल, नेक पे ऑयल लगा लेंगे और स्पून को कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे और एक एक करके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमें 20 टाइम करना है. नेक के दोनों तरफ, इस तरफ भी हम 20 टाइम करेंगे और फिर बीच में भी करेंगे, इससे कि हमारी डबल चिन मिटेगी. तो ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप. अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ जो कि हमारी जॉ लाइन की होगी. 20 टाइम हम इस तरफ कर लेंगे और 20 टाइम हम इस तरफ कर लेंगे. तो ये हमारी थी सेकेंड स्टेप. हम चलते हैं अपनी थर्ड स्टेप के लिए. तो इस तरीके से स्पून होल्ड करना है और यहाँ से लेके जहाँ हमारे लिप्स खत्म होते हैं वहाँ से ऊपर की तरफ ले जाना है. ये भी हमें 20 टाइम करना है. उसके बाद हम चलते हैं अपनी फोर्थ स्टेप के लिए जो कि हमारी नोज के लिए है. इसे होल्ड करके ऊपर की तरफ लाना है पकड़ के. ये भी 20 टाइम. अब हमारी ये फिफ्थ स्टेप जो कि अंडर आई के लिए है, उसको हम 10 टाइम करेंगे. यहाँ से लेके ऊपर की तरफ ले जाना है जहाँ आईब्रो खत्म होती हैं. 2, 3 इस तरीके से हम 10 टाइम करेंगे. 5. अब हमारी ये सिक्स्थ स्टेप जो कि फोर हेड के लिए है, तो इस तरीके से पकड़ना है और फोर हेड को ऊपर की तरफ ऐसे करना है. ये थी हमारी 6 स्टेप स्पून से मसाज करने की. आप भी करना और आपको जो भी बेनिफिट और रिजल्ट मिले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और अगर आपको पहले से पता था तब भी आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.